शहना चौकिया राजकुमारी, आपको मैं मिला दही गिराने को? ऐसे लहराते हुए चलेंगे तो यही होगा ना? जाओ जाकर मुंह धो कर आओ। चोली आगे से ही नहीं पीछे से भी आते शत्रु से उदयगढ़ की राजकुमारी को होशियार रहना सीखना चाहिए। जब तुम साथ हो तो किस चीज का डर? इस राज्य की होने वाली महारानी दूसरे के सहारे पर है। दिल चूक गया तो निशाना भी चूक जाएगा। ओ, तो निशाना लगाना तुम ही सिखा दो हमें। ध्यान केवल निशाने पर। राजकुमारी मैत्रा देवी की जय हो, जय हो, जय हो। युद्ध के लिए तू अभी बालक है। राजकुमारी को शस्त्र विद्या सिखाने चले हो? मैत्रा। सेनापति जी, अगर आप शस्त्र विद्या सीखना चाहती हैं, तो ये रणदेव राणा आपके सामने उपस्थित है। इससे आप शस्त्र कला तो नहीं सीख पाएंगी, पर नृत्य कला अवश्य सीख लेंगी। उदयगढ़ का चक्रवर्ती श्री श्री विक्रम सिंह महाराज पधार रहे हैं। भैरव, शेर खान सीमा पर खड़ा युद्ध की तैयारी कर रहा है। अब तक तुम्हारा ही कबीला इस राज्य को बचाता आ रहा है। इस राज्य की इज्जत अब तुम्हारे हाथ में है। चाहे मेरे प्राण ही क्यों ना चले जाएं, मैं इस राज्य की सुरक्षा करूंगा महाराज। ये अब अकेले नहीं है महाराज, इस युद्ध में अब हम इनके साथ हैं। भैरव ने हमें तीर धनुष चलाना सिखाया है, आप देखेंगे। सुंदर चित्र है, इसका अर्थ क्या है राजकुमारी? अपने प्रेम के लिए पुरानी परंपराओं को तोड़ते हुए इस वीर ने युद्ध के बदले लोगों में प्रेम जगाया है, ऐसा है मेरा भैरव। मैत्रा, रुक जाइए, आप अंदर नहीं जा सकते, ये राजकुमारी का कक्ष है, आप ऐसे अंदर नहीं आ सकते, महाराज को पता चलेगा तो अनर्थ हो जाएगा। हम आ सकते हैं क्योंकि हम राजकुमारी के होने वाले पति हैं। तुम्हारी यही लज्जा तुम मुझे पागल कर देती है। तुम्हारा तन इस फल से भी ज्यादा मीठा है और इसी रस को निचोड़ कर मैं उसे पीना चाहता हूँ। इस फल की तरह मैं तुम्हारे तन को चबा चबा कर उसका रस निकालना चाहता हूँ। तुमने हम पर चाकू चलाने का दुस्साहस कैसे किया? इस फल में विष भी तो हो सकता है, इससे प्राण भी जा सकते हैं। अंगरक्षक का काम होता है रक्षा करना। क्षमा कीजिए सेनापति जी, किंतु आपके प्राण इस राज्य के लिए बहुत कीमती हैं। अब आप ये खा सकते हैं। तू अपना जूठा हमें खिलाना चाहता है? हम खाएंगे इनका जूठा।
अगर हमने ठान लिया कि कोई चीज हमारी है तो हर कीमत पर वो हमारी है। तुम हमारी ताकत को नहीं जानते। कल की प्रतियोगिता समाप्त होने से पहले तुम्हारी मौत के दरवाजे खुल जाएंगे। और दूसरे प्रतियोगी होंगे शत्रुओं को पैरों तले रौंदने वाले सभी वीरों से महान वीर काल भैरव। काल भैरव बोरा काल भैरव। प्रजा की तरह हम भी देखना चाहते हैं कि इस प्रतियोगिता को कौन जीतेगा। आरंभ किया जाए। इस प्रतियोगिता से पहले प्रजा के सामने आपको कुछ और बातें भी बतानी होगी महाराज। वो क्या है? आपके बाद इस सिंहासन पर बैठने वाला अगला कौन होगा? ये आप क्या कह रहे हैं सेनापति जी? राजा के बाद इस सिंहासन और राज्य की अधिकारी इनकी पुत्री राजकुमारी मैत्रा ही होगी। आज्ञा दीजिए महाराज। रुक जाओ भैरव, तुम्हारा इतना दुस्साहस, इसका कारण क्या है रणदेव? कारण है महाराज, ये इस राज्य को संभालेंगी जो स्वयं पर मुसीबत आते ही आंख बंद करके अपना बदन ढक ले, वो क्या तलवार उठाएंगी जिसमें आत्मरक्षा करने की ताकत ही ना हो, वो इस राज्य की रक्षा कैसे करेगा महाराज? हमारी सीमा पर शेर खान डेरा डालकर बैठा हुआ है, हमारी प्रजा डरी हुई है, थर थर कांप रही है। ऐसी स्थिति में प्रतियोगिता होनी चाहिए, ये जानने के लिए नहीं कि राजकुमारी के लिए अच्छा पति कौन है, बल्कि ये जानने के लिए कि अधिक साहसी कौन है। ये जानना भी अधिक आवश्यक है महाराज कि सिंहासन का उत्तराधिकारी कौन होगा। राजकुमारी मैत्रा उसी से विवाह करेगी जो चुनरी लाकर इनका और राज्य का गौरव बचाएगा। अगर किसी को आपत्ति हो तो हमें सूली पर लटका दे, नहीं तो हमारी चुनौती स्वीकार करें। अब कोई उपाय नहीं है महाराज, प्रजा आपके निर्णय की प्रतीक्षा कर रही है, स्वीकार है या नहीं? हमें स्वीकार है। परंतु एक शर्त हमारी भी है। क्या है वो? जो भी पराजित होगा वो ये राज्य छोड़कर जाएगा। क्या बात है, हमें हराएंगी, राज्य से बाहर निकालेंगी और विवाह उससे? वो यहाँ जीवित लौटेगा तब ना। किंतु मैं इन्हें यहाँ जीवित लेकर आऊंगा राजकुमारी, आप अपनी आंखों से देखिएगा, जब शर्म के मारे ये इस राज्य को छोड़कर जाएंगे तो लोग इन पर थूकेंगे। राज्य की सारी प्रजा चाहती है कि भैरव ही जीते महाराज, तो भैरव अवश्य जीतेगा। हाँ जानते हैं, लेकिन यही तो हमारी समस्या है।
तेरा शरीर जितना मजबूत है दिल उतना ही कमजोर। अब क्या करेगा, चक्रव्यूह में फंस गया तू। अब तू घोड़ों के प्राण बचाएगा या राजकुमारी की आन, निर्णय तेरे हाथ में है। Yeah!